अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल मलिक है और मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना वोटर वेरिफिकेशन का अब सेकंड फेज शुरू करना है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से प्लान किया हुआ है। और जैसा कि आपको इल्म होगा कि पहली फेज़ इसकी कंप्लीट हो चुकी थी और उसके अंदर घर से घर घर वेरिफिकेशन का जो अमल था वो कंप्लीट कर लिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तकरीबन 84 मिलियन फॉर्म जो है वो रिसीव किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान से। 8 करोड़ नए लोगों का इंदराज होना था, तकरीबन 84 मिलियन फॉर्म नए रिसीव हुए हैं, तो वो अमल उन्होंने नादरा की मदद के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब उसका फेज़ टू शुरू होगा जिसमें ये डिस्प्ले सेंटर्स लगाए जाएंगे तकरीबन पाकिस्तान के 130 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 55,000 डिस्प्ले सेंटर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगाएगा। ये अमल तकरीबन 20 से 25 दिन के दरमियान का होगा और ये उस वक्त शुरू होगा जब उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुकम्मल फहरिस्तें मौसूल हो जाती हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझने के लिए हमारे तमाम तहरीकी साथियों को, वो ये है कि अपने अपने इलाकों के अंदर वो पता करें कि कहाँ पर डिस्प्ले सेंटर लगेगा और उस डिस्प्ले सेंटर पे जाकर वो अपनी इंतखाबी फहरिस्तें ले सकते हैं किस मुआवजे के एवज, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इनको लिस्टें फराहम कर दी जाएँ। ये लिस्टें फराहम करने के बाद वो जाके वेरीफाई कर सकते हैं अपने इलाके के अंदर उन तमाम लोगों का जिनका नाम उस पर शामिल नहीं है या किसी किस्म का एतराज़ है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये डिस्प्ले सेंटर्स मसाजिद के अंदर, स्कूलों के अंदर और कुछ पोलिंग स्टेशन के अंदर लगाए जाएंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिवाइजिंग अथॉरिटी क्या होता है और उसका क्या रोल होता है। रिवाइजिंग अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को और गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, हुकूमती कोई मुलाजिम हो उसको, सरकारी मुलाजिम को अपॉइंट किया जा सकता है, जैसे कि कुछ टीचर्स हो सकते हैं सरकारी स्कूलों के, या इसके अलावा कोई और इदारे के अंदर जो काम करते हैं सरकारी मुलाजमीन उनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो जो तमाम एतराज़ात होंगे, जो फॉर्म्स होंगे या जो लोग अपने एतराज़ात दाखिल करेंगे कि किसी का नाम अगर वो फहरिस्त में नहीं है या गलत शामिल हो गया है, तो वो तमाम एतराज़ात जमा कराए जाएंगे किसी भी रिवाइजिंग अथॉरिटी के उस इलाके के अंदर। और रिवाइजिंग अथॉरिटी जो है वो एक आर्बिट्रेटर के तौर पर, एक मुनसिफ के तौर पर वहाँ पर फैसला करेगा कि जो एतराज़ात किसी शख्स ने जमा कराए हैं अपने लिए या किसी और के लिए वो दुरुस्त हैं या नहीं। तो ये रोल रिवाइजिंग अथॉरिटी का होगा। तो आपके इलाके में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है वहाँ पे उन लोगों ने अपने इर्द गिर्द के जो स्कूल हैं या इस किस्म के दूसरे सरकारी इदारे हैं तो उनके मुलाजमीन को एक रिवाइजिंग अथॉरिटी का रोल दिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पूरा अपना प्रोसेस मुरतब दिया है वो कितना लंबा है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को टारगेट दिया है वो 40 दिनों का दिया है, यानी कि जिस दिन नादरा की तरफ से उनको मुकम्मल ज़िमनी फहरिस्तें मुहैया हो जाएंगी उसके 40 दिन के अंदर ये अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर 20 से 25 दिन इनको लगेंगे डिस्प्ले सेंटर्स को लगाने के अंदर और अपने एतराज़ात जो है वो सब कलेक्ट करने के अंदर, और उसके बाद ये एतराज़ात जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको इनकॉर्पोरेट करेगा, उनको शामिल करेगा, और नई फहरिस्तें वो अगर जो शामिल छपा देता है तो तकरीबन इसके अंदर 40 दिन का एक अरसा लगेगा। ये 40 दिन वेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद की जाती है कि वो 40 दिन के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है फरवरी के बीच के दौरान, फरवरी में दूसरे हफ्ते के दौरान, तो ये उम्मीद की जाती है कि मार्च के एंड तक या अप्रैल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नादरा की मदद से एक मुकम्मल फहरिस्त मुरतब कर देगा जिसके अंदर तमाम एतराज़ात को भी शामिल कर लिया गया होगा और इस किस्म के जितने भी एरर्स हैं उनको रिमूव कर दिया, गलतियों को रिमूव कर दिया गया होगा।
अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक जो बहुत ही बड़ी तब्दीली इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेकर आ रहा है और मुल्क के अंदर आ रही है और हमारे तरीके इंसाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो ये है कि एक SMS सिस्टम और एक SMS सर्विस शुरू की जा रही है नादरा की मदद से। जैसे कि इस वक्त नादरा ऑफ़र करता है कि आप अगर एक नंबर पर, एक कोड पर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिख के नादरा को SMS करेंगे तो कुछ देर में नादरा की तरफ से आपको जवाब आ जाता है कि इस शिनाख्ती कार्ड नंबर पर किस शख्स के नाम दर्ज है, तो वो वेरीफाई हो सकता है। तो इसी तरीके से नादरा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिलकर ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, मुख्तलिफ मोबाइल कंपनी से इस सिलसिले में बात की जा रही है। तो 2 रुपये पर SMS की कॉस्ट के इवज़ आप ये जान सकेंगे कि क्या आपका वोट रजिस्टर है या नहीं। यानी कि आपके लिए बड़ा आसान होगा कि आप एक कोर्ट पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर अरसाल करेंगे और वापस रिप्लाई में एक आपको मैसेज आएगा जिसके अंदर आपका ये स्टेटस होगा कि क्या आपका वोट रजिस्टर है और अगर है तो किस पोलिंग स्टेशन रजिस्टर्ड है। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस किस्म की दूसरी पार्टियां बहुत कोशिश कर रही हैं कि वो ये सिस्टम जल्द से जल्द शुरू कर सकें और ये तमाम वोटर्स को ये फैसिलिटी मुहैया की जा सके। तो ये एक बड़ी तब्दीली होगी इस दफ़ा इस इलेक्शन के अंदर और काफ़ी चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो नौजवान ज़्यादातर हैं और नए वोटर्स हैं तो वो इस दफ़ा इस तरीके से अपने वोट को सही तौर पर उसकी तस्दीक कर सकेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो फॉर्म्स हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किसी भी वेरिफिकेशन या तब्दीली के लिए या गलती की तस्हीह के लिए वो कौन कौन से रतब किए हैं। सबसे पहले फॉर्म 4 है, ये फॉर्म 4 आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उतार सकते हैं और नीचे हमने इस लिंक में दे भी दिया है, आपके सामने स्क्रीन पे ये फॉर्म 4 की तस्वीर भी सामने आ रही होगी। इस फॉर्म के अंदर आप जो है अपना नाम शामिल करने का दावा दायर कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका नाम इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल नहीं है तो ये फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर्म नंबर 4। इस फॉर्म के ज़रिए आप अपना नाम दोबारा दाखिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को उर्दू में पुर किया जाएगा, इसकी डिटेल बहुत आसान है, कोई भी शख्स इसको उर्दू के अंदर भर सकता है। ये फॉर्म भरने के बाद आपको एक रसीद मिल जाएगी और ये एक रिवाइजिंग अथॉरिटी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है उसके पास चला जाएगा जो आपको एक टाइम देकर बुलाएगा अपने पास और उसकी तस्दीक करेगा कि आया आपने जो कवायफ इस फॉर्म के अंदर दिए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। तो फॉर्म 4 के ज़रिए या फॉर्म 4 के ज़रिए आप अपना वोट इंदराज या नाम का इंदराज करा सकते हैं अगर आपका लिस्टों में नाम शामिल नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्म 5 यानी कि 5 नंबर फॉर्म जो है उसकी कितनी अहमियत है। जैसे कि आपको इल्म होगा कि हमारे गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर अक्सर लोगों का जाली नाम इंदराज हुआ होता है, यानी कि आपको पता होता है कि ये किसी शख्स का नाम है जो कि उस इलाके में रहता ही नहीं है। तो आप अपने इलाके के अंदर रहते हुए किसी भी शख्स पे दावा कर सकते हैं कि जी ये नाम उसका गलत इंदराज हुआ हुआ है और ये शख्स यहाँ पे रहते रिहाइश पजीर है ही नहीं। तो उसके लिए फॉर्म नंबर 5 इस्तेमाल किया जाएगा। इस फॉर्म के अंदर जो नाम शामिल करने का एतराज़ है उसको दाखिल किया जा कराया जा सकता है और आप अपने इर्द गिर्द के अंदर अगर किसी ने अपने आपकी वोटर लिस्ट में आप देखते हैं कि कोई ऐसा नाम का की शमूलियत हो गई है जो उस इलाके से ताल्लुक ही नहीं रखता तो आप रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास जाकर ये फॉर्म जमा करा सकते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाकर ये फॉर्म जमा करा सकते हैं और रिवाइजिंग अथॉरिटी जो है वो आपके एतराज़ को सुनकर और उस पर रिसर्च कर और उसको वेरीफाई कर एक डिसीजन ले लेगी कि क्या आया उसका नाम को खारिज कर दिया जाए इंतखाबी फहरिस्त के अंदर या आपका एतराज़ गलत था और उसको नाम को शामिल रखा जाए। तो ये फॉर्म नंबर 5 जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म होगा इस दफ़ा इलेक्शन के हवाले से। फॉर्म नंबर 6 आप करेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप समझें कि आपका नाम सही तरीके से नहीं दर्ज किया गया, उसमें कोई गलती हो गई है या आपका पता जो है उसमें कुछ रद्द बदल हुआ हुआ है या कोई और किस किस्म की इंफॉर्मेशन है जो इंतखाबी फहरिस्त के अंदर मौजूद होती है वो सही तौर पर नहीं आई है या उसमें कोई गलती हो गई है तो आप फॉर्म नंबर 6 इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 6 का जो टाइटल है वो है कि इंतखाबी फहरिस्त में इंदराजात के कवायफ की तस्हीह के लिए दरख्वास्त, यानी कि जो आपने इंदराजात कराए हैं अपने कवायफ जमा कराए हैं उसमें अगर कोई तस्हीह है कोई करेक्शन है तो उसको आप इस फॉर्म के ज़रिए बुरोएकार ला सकते हैं। तो अगर किसी का नाम सही नहीं है, किसी के शनाख्ती कार्ड का नंबर में कोई गलती हो गई है या घराना नंबर में कोई गलती हो गई है या पते के अंदर कोई गलती हो गई है रिहायशी पते के अंदर तो वो आप इस फॉर्म के ज़रिए उसको कंप्लीट कर सकते हैं या उसको वेरीफाई करवा सकते हैं।
آخر میں میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے علاقے کے اندر اپنے ہر پی ایس لیول پہ، ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ، ہر پی سی او لیول پر آپ اس ویڈیو کو دکھائیں لوگوں کو، ان کو ٹرین کریں، ان کو آگاہ کریں، اپنے تمام جو آپ کے ورکرز ہیں ان تمام کو اس کی معلومات ہونی چاہیے اس پورے پروسیس کی، اور اپنے آپ کو آپ تیار کریں کہ جب یہ پروسیس جیسے شروع ہو، یہ عمل جیسے شروع ہو تو ہمیں پتہ ہو ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے اور اس کے لیے اپنے ووٹ کو درج کرائے۔ تو تحریک انصاف جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کے ساتھ مل کر اس کام کو آسان بنانے کے لیے گامزن ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس دفعہ اپنے تمام ارد گرد میں رہنے والے لوگوں کو، اپنے خاندان کو اپنا ووٹ رجسٹر کرائیں گے اور اس کا صحیح استعمال کریں گے۔